हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। सो फ्रेंड्स, ये दिन है आज शनिवार का और ये शाम का वक्त है। मतलब सुबह का व्लॉग मैं आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ, अब ये शाम का वक्त हो गया है। तो यहाँ पर जो है ना, करीब बज गए हैं शाम के 4 और डेट वही है आज 22 जुलाई। तो यहाँ पर जो है ना, मैं बना रही हूँ अपनी चाय। तो 4 बजे वाली जो चाय होती है ना, वो अपने लिए बना रही हूँ। बच्चे ट्यूशन जा चुके हैं 3:30 बजे, उनको नहीं पीनी थी चाय, उन्होंने मना कर दिया था, तो मैंने उनके लिए नहीं बनाई। अभी मैं फ़िलहाल अपने लिए ही चाय बना रही हूँ, क्योंकि धैर्य अभी सोया हुआ है। सो यहाँ पर जो है ना, चाय को रेडी कर दिया है, गैस पे चढ़ा दिया है। जब तक वो उबलेगी तब तक जो है ना, मैं आज मशीन लगाने वाली हूँ, तो उसकी तैयारी कर लेती हूँ। तो कपड़े जो है ना, आज ही धोंगे, आज शनिवार है ना। तो कल का दिन मैं अपना पूरे लिए फ्री रखने के लिए मैं आज जो है ना, बाकी के सारे काम निपटा दूंगी। तो संडे का दिन मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है कि भाई हाँ, थोड़ा लेट वेट भी अगर हो सके, उठ सके ना, तो उसके लिए सारे सब काम पहले ही निपटाने पड़ते ही हैं। सो बस यहाँ पर जब तक मशीन में पानी भरेगा ना, तब तक मैं जो ये सारे छोटे छोटे कपड़े हैं ना, इनको सीधा करके रख दूँगी। तो एक्चुअली मैं सारे बच्चे जो है ना, जब कपड़े उतारते हैं तो ऐसे ही डाल देते हैं मशीन में, उल्टे सीधे जैसे उनको लगता है। तो सीधा कोई भी नहीं करता, कोई सा भी बच्चा। तो बस सारे कपड़े जो है ना, मैंने सीधे कर दिए हैं अभी। और उसके बाद जो है ना, मशीन में तब तक पानी भर गया था और मैंने इसकी जो बाउंड्री है ना, मतलब जो पाइपिंग सी थी ना, वो मैंने उधेड़ दिया है। तो मैं इसको अब तुरपाई करूँगी या फिर सिलाई मशीन चला दूँगी, क्योंकि ये अच्छा नहीं लग रहा था इस पाइपिंग। तो मशीन का एक स्विप मैंने चला दिया है, तब तक जो है ना, मेरी चाय भी बनकर तैयार हो गई थी। इधर मैंने जग में दूध खाली हुआ था ना, तो इसी में अपनी चाय जो है ना पलट ली थी। तो अब फटाफट से जो है ना, मैं ग्लास में कर लूँगी। मुझे आदत है ग्लास में चाय पीने की, मुझे नहीं अच्छा लगता कफ वगैरह में या जैसे भी पीते हैं ना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इधर धैर्य भी उठ ही गया था जब तक मैं मशीन चलाई ना, तो शायद मशीन की आवाज़ से उठ गया था। वो पी रहा है अपना दूध और मैं पी रही हूँ अपनी चाय। तो मैंने धैर्य को बोला कि मेरे लिए मट्ठी ले आओ, तो लेकर तो आया नहीं, मेरी चाय ख़त्म हो गई यहाँ पर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ना, शाम के खाने की तैयारी में मैं लग गई हूँ। तो मुझे जो है ना, आज बनाने हैं करेले। एक्चुअली ये करेले जो है ना, 1 वीक के हो गए हैं। लास्ट मंडे मैं लेकर आई थी, जब मंडे मार्केट लगा था तब मैं लेकर आई थी, और तब के ये अब तक रखे हुए थे। लेकिन ये अच्छी बात ये है कि ये ख़राब नहीं हुए। तो मैंने इनको जो है ना, आज बनाने की ठान ली थी कि मैं आज इसको बनाऊंगी। और 2 काम मेरे हैवी हो गए थे, एक करेले बनाने का और मशीन लगाने का। और जैसे कभी लगता है कि शाम के टाइम मशीन लगी हो तो कोई हल्का फुल्का सा खाना बने, लेकिन मेरे को ये बनाने ज़रूरी थे। तो इसी वजह से मैंने ना इसको काट लिया था, सारे जो करेले थे ना, इनको अच्छे से काट लिया था, और सारे इनके बीज वगैरह भी सब निकाल दिए मैंने। और मतलब हम लोग बीज वगैरह नहीं डालते हैं करेले में बिल्कुल भी। और ऊपर से ये जो इसकी होते हैं ना, ये छील देती हूँ मैं बहुत अच्छे से, बिल्कुल प्लेन कर देती हूँ, क्योंकि नहीं खाते। जिस हम सबके घर में खाने का अलग अलग तरीका होता है, तो बस हमारे यहाँ पर नहीं खाते। तो मैं पहले इनको अच्छे से छील रही हूँ और फिर उसके बाद इसके सारे बीज वगैरह निकाल के फेंक दूँगी। एक बार मैंने डाल दिए थे बीज ना, तो पतिदेव को बिल्कुल भी पसंद नहीं आए, मतलब बोल रहे थे अच्छे नहीं लगते ये बीज वगैरह, मत डालना आज के बाद। तो तब से जो है ना, मैं बीज वगैरह नहीं डालती हूँ। इधर मैंने करेले जो है ना, कट कर दिए हैं, सारे उनके बीज निकाल दिए हैं, कट कर दिए। अब थोड़ी देर के लिए इनमें नमक लगा के रखूँगी, टाइम तो ज़्यादा है नहीं, क्योंकि अब बनने का टाइम भी हो ही जाएगा। करीब 5 बज गए थे ये सब काम करते करते ना, लेकिन फिर भी मैं इनको 1 घंटा रख दूँगी। और करेले जो है ना, ताज़ा ताज़ा भी बन जाते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ना, मशीन का एक स्विप घूम गया था, और ये जो ब्रुशेट वगैरह है ना, मेरे को इसमें मारना है जूना। तो एक्चुअली मैं इनके कफ कॉलर जो है ना, थोड़े गंदे हो जाते हैं, तो इसी वजह से इनमें जूना मारना ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ ये साफ़ नहीं होते मशीन में। चाहे मैं कितना भी सर्फ डाल लूँ अच्छे से अच्छा ना, फिर भी नहीं हो पाते साफ़। तो बस इसीलिए ना, मैंने यहाँ पर साबुन लगा के अच्छे से दोनों ब्रुशेट, जो 2 ब्रुशेट थी उनकी, दोनों को अच्छे से रगड़ दिया है, तो बहुत अच्छे से साफ़ हो गई थी। फिर उसके बाद जो है ना, मैंने एक स्विप के कपड़े जो है ना, वो घुमा दिए थे, और साथ के साथ ही मैं सुखा कर भी आ गई थी। मतलब पहले मशीन में सेकंड फ्लोर पर सुखाने लेके गई, फिर उसके बाद ऊपर सुखाने गई, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जब मैं मशीन लगाने के लिए रेडी हुई थी ना, तब तक जो है ना, बारिश आनी शुरू हो गई थी, लेकिन फिर बारिश हुई नहीं। सो फ्रेंड्स, ये सीधा शाम का वक्त है। कपड़े वगैरह धोने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए गई थी नीचे, अभी जो है ना, करीब 7:15 बज गए हैं। मैं यहाँ पर कर रही हूँ अपनी दियाबाती। तो मैं कपड़े वगैरह धोने के बाद नहा ली थी, और फिर उसके बाद दोबारा से, और मैंने जो भी कपड़े पहने थे वो भी मैंने दोबारा से धो दिए थे। इधर मैंने पूजा पाठ अपनी कर ली है, अब आ गई हूँ करेले बनाने। तो सबसे पहले जो है ना, प्याज कट कर लूँगी, जब तक जो है ना, मेरे करेले अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। तो आज मुझे करेले दूसरे तरीके के बनाने हैं, जैसे भी मतलब ज़्यादा फ्राई करने वाले।
पहले जो है ना मैं करेले की क्वांटिटी से ज़्यादा प्याज डाल देती थी, लेकिन आज मैंने ऐसा नहीं किया है। प्याज भी मैं कम ही ऐड करूँगी, जितनी करेले की क्वांटिटी है उतनी ही मैं प्याज की भी रखूँगी, तो उनका बैलेंस बन जाएगा। तो ज़्यादा प्याज कर देते हैं ना तो वो प्याज ही नज़र आती है, करेले थोड़ा कम नज़र आते हैं, तो इसलिए आज मैंने प्याज की क्वांटिटी बहुत कम कर दी है। मतलब नॉर्मली मैं प्लेट भर लेती थी, लेकिन आज आधी प्लेट है। तो इधर देखिए मैंने करेले फ्राई किए हैं लेकिन अभी तक हुए नहीं है, अभी मैं इनको और फ्राई करने वाली हूँ, क्योंकि ज़्यादा फ्राई वाले ना मुझे भी अच्छे लगते हैं। तो इधर देखिए मैंने अच्छे से फ्राई कर दिए हैं करेले, इधर प्याज अब फ्राई करूँगी मैं। तो प्याज को भी ऐसे ही फ्राई करूँगी जैसे मैंने करेले को किया है, थोड़ा डीप फ्राई करना है मुझे आज इन दोनों को। तो आप देख ही रहे हैं कढ़ाई में पहले मेरी प्याज ज़्यादा नज़र आती थी और अब कम है। लास्ट वीडियो में आप देखेंगे जब लास्ट टाइम मैंने जब करेले बनाए थे तो उसमें बहुत प्याज थी। तो ये देखिए दोनों चीज़ों का बैलेंस हो गया है और दोनों चीज़ें अच्छे से फ्राई हो गई हैं। इधर मैंने एक टमाटर लिया है, दो तीन हरी मिर्ची ली हैं। तो सबसे पहले जो है ना तेल में इनको अच्छे से फ्राई कर लूँगी, उसके बाद मैं सूखे मसाले, अच्छा आज इसमें हल्दी ऐड नहीं करूँगी, नमक मिर्च ऐड करूँगी। एक्चुअली मैं हल्दी खुद ही इतनी कड़वी होती है, ऊपर से करेले होते हैं ना, तो हल्दी को मैं ड्रॉप करूँगी, हल्दी नहीं डालूँगी। सिर्फ इसमें नमक और मिर्ची मैंने ऐड की है, बस अब इनको मिक्सअप कर देंगे और करेले की जो भुजिया सी है ना वो बनकर तैयार हो जाएगी। तो कुछ देर तक मैंने ढककर पकाया और मेरे करेले जो है ना वाकई में आज बहुत अच्छे बने थे, पतिदेव को ही नहीं मुझे भी बहुत पसंद आए थे। सो फ्रेंड्स ये रात का टाइम हो गया तो मैंने और बच्चों ने खा लिया था खाना, और अभी इनकी बारी है तो ये खा रहे हैं। तो ये अभी अभी आए थे, करीब 9:15 के बाद आए थे ये। तो बस यहाँ पर जो है ना इनके लिए रोटियाँ बना रही हूँ, खा पी कर मतलब मैंने और बच्चों ने खा लिया खाना, उसके बाद हम लोग छत पे चले गए थे क्योंकि आज बारिश के बाद बहुत अच्छी हवा चल रही थी, तो इस वजह से हम लोगों ने थोड़ी देर के लिए छत पर राउंड लगा लिए थे। तो बस अभी मैं जो है ना यहाँ पर इनके लिए रोटियाँ बना दूँगी, और अभी करीब बज गए थे 9:15 का टाइम हो गया था। सो फ्रेंड्स मैं आप सबको सीधे नेक्स्ट मॉर्निंग को मिल रही हूँ। तो यहाँ पर ये संडे मॉर्निंग का क्लिप है, अभी जो है ना सबसे पहले तो मैं इसमें रिफ़ाइंड कर रही हूँ, बर्तन में जो डब्बे में जो है ना रिफ़ाइंड ख़त्म हो गया था तो वो इसमें मैंने ऐड कर दिया है। तो रिफ़ाइंड देखकर आप समझ ही गए होंगे कोई हैवी नाश्ता बनने वाला है। तो एक्चुअली मैं मुझे बनाने हैं ब्रेड। तो जब मैं सुबह उठी, झाड़ू पोछा मैंने किया ना, उस बीच तक जो है ना मैंने 2-4 आलू उबाले थे तो वो उबल गए थे, और खाने में तो आज रात को करेले बनाए थे तो वो रखे हुए थे। तो उर्वी के पापा तो उनको ही लेकर जाएंगे लंच में, और बच्चों की छुट्टी है, आज संडे है, तो बस इसीलिए ना मैंने यहाँ पर प्लान किया कि मुझे ब्रेड बनाने हैं। तो यहाँ पर जो है ना बेसन घोल रही हूँ, बेसन में मैंने नमक मिर्च और हल्दी तीनों चीज़ें ऐड कर दी हैं, अच्छे से ऐड कर दी हैं, और 5 मिनट के लिए इसको रख भी दिया था बैटर को, तो जो इसमें गाँठें पड़ी होती है ना वो खुल जाती हैं, सही हो जाता है बेसन अगर 5 मिनट के लिए रख देते हैं तो। अच्छा मैंने नमक मिर्ची थोड़ी कम ही रखी है क्योंकि धैर्य भी खाता है और बच्चों को भी थोड़ी मिर्ची कम पसंद है, तो इसीलिए मैंने आज थोड़ी सी इसकी जो मिर्ची थी ना वो कम रखी थी, और मैंने चक्कर भी देख लिया था शायद ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि ज़्यादा हो जाए बच्चे ना खाएं तो ये अच्छा भी नहीं लगता, हम लोग खा लेते हैं बच्चे नहीं खा पाते ना, तो बस इसीलिए बच्चों का थोड़ा सा ध्यान देना। अभी जो है ना मतलब बैटर जब तक ठीक होता है तब तक मैं सारी तैयारी मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने शुरू भी कर दिए हैं बनाने, और एक प्लेट में मैंने पेपर लगा दिया है ताकि जो ऑयली जब हम खाना बनाते हैं तो पेपर के ऊपर ही रखते हैं, आपको भी पता होगा ये बात। तो यहाँ पर जो है ना सबसे पहले मैंने एक बार फिर से इसको मिक्सअप कर लिया है, जो बेसन का बैटर था ना मेरा इसको बहुत अच्छे से मिक्सअप कर दिया है, तभी तक जब तक तेल नहीं होता है ना तब तक मैंने अपनी सारी तैयारियाँ कर ली थी। सो यहाँ पर जो है ना मैंने पिट्ठी अच्छे से भरी, और फिर उसके बाद जो है ना इसको डबल लेयर करके उल्टा कर दिया, और फिर इसको बिना ब्लेड वाले चाकू से काट दिया। तो यहाँ पर देखिए मतलब अच्छे बने थे और बढ़िया ही बने थे, बच्चों को भी बहुत पसंद आए थे, और मुझे तो बहुत ही पसंद आई है। मुझे समोसे से ज़्यादा है ना ब्रेड ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मुझे कम पसंद है समोसे वगैरह ना, तो और ब्रेड वगैरह भी मुझे घर के ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि बच्चे भी खा लेते हैं घर के, और जो बाज़ार के होते हैं उनमें थोड़ा मोटा बेसन होता है। तो यहाँ देखिए बन गए हैं मेरे ब्रेड काफ़ी अच्छे से, और मुझे ना जैसे मतलब ये सब तलने वलने का डर से इसलिए लगता है डर, क्योंकि क्या है ना कि छींटे वीटे ना पड़ जाएं, तो इसलिए मैं थोड़ा दूर से ही करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने अच्छे से इस पे बैटर लगाया और इसको ऐसे तेल में छोड़ दिया है, तो देख ही रहे हैं आप अच्छे खासे बने थे, और नाश्ता बहुत हैवी हो गया था। इधर उर्वी के पापा को लगा कि अब कचरी भी बना ही लेते हैं, क्योंकि ये कचरी जो है ना होली की रखी हुई है और अभी तक जो है ना ख़त्म नहीं हुई है, रखी कभी कभी बना लेते हैं क्योंकि हम लोग ज़्यादा नहीं खाते हैं, कभी कभी बना लेते हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना कचरी भी तल दी थी, बच्चों की तो जैसे आज मौज ही आ गई थी, संडे था, एक तो आज बिना उठाए ना उठ गए बच्चे। नॉर्मली होता क्या है कि आवाज़ लगाते रहो उठते नहीं हैं बच्चे बिल्कुल भी।
सो फ्रेंड्स, यहाँ पर बातों ही बातों में नाश्ता भी रेडी हो गया है। तो ये देखिए चाय, ये मेरी चाय है और मैं हमेशा इसी ग्लास में चाय पीती हूँ। इधर मैंने ब्रेड भी रख लिए हैं और अगर मुझे एक खाना होगा तो एक, तो दो खाने होंगे तो दो। तो यहाँ पर कचरी भी रेडी हो गई है, काफ़ी वेराइटी की कचरियाँ हैं, बहुत सारी हैं। तो बस उसके बाद जो है ना, मैंने यहाँ पर रोटियाँ बनानी शुरू कर दी थी। एक्चुअली मैं, उर्वी के पापा रोटी लेकर भी जाएंगे ना, उनका टिफ़िन तो जाना ही है, तो वो ड्यूटी तो ज़रूर ही जाएंगे। संडे को उनका ऑफ नहीं होता, उनका ऑफ मंडे को होता है, ये आप सबको मैंने पहले भी बता चुकी हूँ। तो बस यहाँ पर जो है ना, उनकी रोटियाँ सेकनी है मुझे, और उनकी रोटी के बाद मैं, मतलब बच्चों ने तो हैवी नाश्ता कर ही लिया है और मैंने भी कर ही लिया है, और लेकिन अभी कुछ पता नहीं है हमारा, हम रोटी कब खाएंगे। तो सिर्फ मैं उर्वी के पापा के लिए रोटियाँ बना रही हूँ और करेले की सब्ज़ी मैं रख दूँगी। करेले की सब्ज़ी जल्दी से ख़राब नहीं होती, आपको भी पता ही है, क्योंकि वो बगैर पानी के बनती है ना, तो करेले की सब्ज़ी इतनी जल्दी से ख़राब नहीं होती। तो मैं वही सब्ज़ी जो है ना टिफ़िन में रखने वाली हूँ और उनका टिफ़िन जो है तैयार करने वाली हूँ। तो जी, टिफ़िन वगैरह तो पैक हो गया है। इधर हैंड टू हैंड ही मैं किचन क्लीन करने लग गई थी। एक्चुअली में मेरी तबीयत आज बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो ये गर्मी ज़्यादा है या कैसे भी ना, बीपी बहुत डाउन हो गया है और तबीयत भी थोड़ी, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे बुखार सा आने वाला है। तो मैं बहुत जल्दी जल्दी काम निपटा रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि जल्दी से काम ख़त्म हो और मैं लेटने जाऊँ, पता नहीं अचानक से हो गया। रात को तो बिल्कुल ठीक, कल था मुझे थोड़ी सी खांसी थी, लेकिन फिर उसके बाद लगा था कि ठीक हो जाऊँगी, और ये नहीं लगा था कि सुबह इतनी तबीयत ख़राब हो जाएगी। लेकिन मैं सुबह नहाई भी और सब कुछ, फिर उसके बाद झाड़ू पोछा मैंने कर ही दिया था। तो अभी बस किचन का क्लीनिंग बाकी है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि तबीयत इतनी ख़राब हो जाती है कि मतलब मन नहीं करता कोई भी काम करने का, लेकिन घर किचन का ये जो फैलावा होता है ना, इसको देखकर तो वैसे भी आराम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, और अपने लिए ना तो अपने बच्चों के लिए तो करना ही होता है ना। तो बस इसीलिए मैंने सोचा कि उनका अगर मैं पेट भर दूँगी तो मैं आराम से आराम भी कर लूँगी, जब तक उन्हें भूख लगेगी तब तक तो मेरा दोबारा भी आराम हो जाएगा दवाई खा के ना। तो इसीलिए मैंने उनका पेट अच्छे से भर दिया हैवी नाश्ता कराने के बाद। तो बस फ्रेंड्स, यहाँ पर किचन क्लीन हो गई है। तो साथ के साथ आज इस वीडियो का यहीं पर एंड करूँगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल।